Hey everyone, welcome back to my channel. I am Faraha Yasir from Faraha Yasir Tarot. कैसे हैं इंशाल्लाह खुशहाल आबाद होंगे. पहली चीज़ तो मैं आप लोगों से क्लियर कर दूँ कि हम लोगों ने जो सिलसिला शुरू किया है वो 50% ऑफ है. उस वीडियो के ऊपर लिखा हुआ है 50% फ्लैट ऑफ. ठीक है, ऑफ़ का मतलब फ्री नहीं होता है, क्योंकि हम मवक्किलीन के थ्रू ये सारे काम कर रहे होते हैं और एंजल के थ्रू, तो उसमें ज़कात वगैरह चीज़ें जाती हैं. तो जो रीडिंग्स मैं ऑफ लगाती हूँ, फिर मैं अपना हिस्सा कोई नहीं रखती हूँ. वो जो गरीबों मिसकिनों और दूसरों के पास चला जाता है, और आप लोग ये डिसाइड ख़ुद नहीं कर सकते कि आप गरीब हैं या हम गरीब हैं या कोई और गरीब है. ठीक है, हर इंसान की अपनी ज़िंदगी में प्रायोरिटीज़ होती हैं. अब हम देखेंगे आज की जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है. हर चीज़ मैं पूछ पूछ के करूँगी एंजल्स के थ्रू, और आप लोग देखेगा, रेजोनेट करे तो मुझे बताइएगा और हार्ट देना मत भूलिएगा. थैंक यू सो वेरी मच. हम स्टार्ट करते हैं. करंट फीलिंग होगी उसके अंदर, नेक्स्ट सेक्शन होगा, एंजल गाइडेंस होगी, ईच एंड एवरीथिंग होगी. सो हम स्टार्ट करते हैं. अब जर्नल रीडिंग है, याद रखिएगा, रेजोनेट कर सकती है, नहीं भी कर सकती है. प्राइवेट रीडिंग हमेशा ओपन है. अभी मैं ऑफ भी लगाया हुआ है. एनर्जीज अगर मैं देखूँ तो बहुत सारे व्यूवर्स के पर्सन किसी सिचुएशन में ट्रैप होने की वजह से आपकी प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं. इनके दिल में ये चीज़ें चल रही हैं कि आखिर मुझे इस सिचुएशन से कब छुटकारा मिलेगा जिसमें ये ट्रैप्ड हैं. आपके पर्सन इस ट्रैप सिचुएशन में होते हुए भी हमेशा आपकी तरफ अट्रैक्टिव रहते हैं, सोचते हैं आपके बारे में, फीलिंग्स रखते हैं आपके बारे में, और बहुत सारी चीज़ों को फेस कर रहे हैं आपके वजह से. ठीक है, और अगर देखा जाए इस सिचुएशन में रहते हुए भी अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है. ठीक है, आपके बारे में मालूमात करना इनडायरेक्टली, डायरेक्टली, किसी भी दोस्त के थ्रू, डायरेक्टली फेसबुक, इंस्टा, एनीवेयर, किसी भी सोशल मीडिया ऐप के थ्रू, ये आपको ही सोचते रहते हैं 24/7. ये भी सोच रहे हैं, ये एनर्जीज आज की है जब आपके सामने ये वीडियो आया उस दिन की, कि अगर मैं इनसे परमानेंट ब्रेकअप कर लूँ या मैं परमानेंट आपको छोड़ दूँ मेरे व्यूवर्स को, तो मैं कैसे रहूँगा. ठीक है, आप नहीं तो मैं कैसे जीऊँगा या जीऊँगा या जीऊँगी, क्योंकि 24/7 तो आपके अंदर लगे रहते हैं, मेरे व्यूवर्स के अंदर, इन सब इनके सबकॉन्शियस में मामले 24/7. और आज के दिन की एनर्जीज ये भी कह रही हैं कि काश हम मिल जाते, काश हम दोनों के दिन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, चाहे कोई भी प्रॉब्लम चल रही है. ये आपके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, सेलिब्रेशन के साथ आ रहे हैं मैंने फ्रेंड, बिल्कुल सेलिब्रेट करना चाहते हैं आपके साथ. मे भी बहुत सारे लोगों की बर्थडेज आने वाली हैं, कोई आप लोग शादी में जाने वाले हैं, या किसी भी हकीका हो सकता है, कोई भी सेलिब्रेशन हो सकती है जो आपके साथ वो चाहते हैं. यहाँ पर बहुत कुछ है इनके दिल के अंदर, कहना चाहते हैं, पर एक ये इनके फेस के ऊपर एक मास्क है जो कि रूड और एक बदतमीज शख्सियत का है. जब आप कभी भी इनसे बात करेंगे तो ये खुल के आपको इमोशन नहीं बताएंगे, हमेशा आपको टेढ़ा जवाब देंगे, उल्टा आपसे नाराज़गी जाहिर करेंगे आपके पर्सन. ठीक है, या कुछ ऐसी बात कह देंगे कि जिससे आपको लगेगा कि अरे मेरा पार्टनर तो हर वक्त ऐसे ही रहता है, रूड है, रोमांटिक नहीं है, हमेशा अकड़ में रहता है, अकड़ू है, बदतमीज़ है, उससे में रहते हैं. लेट्स क्लैरिफाई दिस. ठीक है, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स क्या सोच रहे हैं. ओके, मैजिशियन का कार्ड क्यों आए हैं. मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि जो इनकी विशेज़ हैं वो पूरी हो जाएं. क्या विशेज़ हैं एंजल्स, किस तरह की विश हैं इनके इनके पार्टनर की. इनका जो विश है आपको कमिटमेंट दें. मैसेज का कार्ड आ रहा है, बात करें, मैसेज की एनर्जी है, क्योंकि ये भी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है. इनके विश है कि कोई भी कार्मिक साइकिल है या कोई नेगेटिव लोग हैं या कोई सिचुएशन है जिनकी वजह से इनकी रुकावटें हैं आपकी और इनकी लाइफ में, वो ख़त्म हो जाएं, ये अपने प्यार को पा सकें और खुल एक्सप्रेस कर सकें. ओके एंजल्स,
कट ऑफ हो जाए बिल्कुल इस दुनिया से। ट्रैप्स इन फेयर का एनर्जी है, कुछ लोगों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है क्योंकि कपल की भी एनर्जी नज़र आ रही है मुझे। अगर किसी आपके कपल ऐसे ही किसी मैरिज में अटक गए हैं जहाँ हैप्पी नहीं है, खुश नहीं है, बस निभाना है तो बस निभाना है तो निभा रहे हैं फैमिली, सोसाइटी या किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से, तो इन सिचुएशन से बाहर निकल जाना चाहते हैं, ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके पर्सन। सेलिब्रेशन क्यों आए हैं जो? ओह कार्ड्स आए हैं दो सेलिब्रेशन को। ओह लवर्स, आप मतलब आपके पर्सन चाहते हैं कि ये सारी इतना इकट्ठा कर लें कि आपको अच्छी लाइफ दे सकें, कमिटमेंट दे सकें, इज्जत दे सकें, इंजॉय कर सकें, जो ये बहुत सारा इमेजिन कर रहे हैं आपके साथ इंजॉय करना, टाइम स्पेंड करना, घूमना फिरना, आपको प्रपोज करना, ठीक है, आपके लिए स्टैंड लेना ताकि आप लोगों की हैप्पीली लाइफ गुजर सके। क्यों आया है लवर्स का कार्ड? केयर फ्री होकर एक्शन लेना चाहते हैं, बिल्कुल क्विक डिसीजन लेना चाहते हैं आपके पर्सन, चाहते हैं पीसफुली रिजॉल्व हो जाए मसला क्योंकि जगलिंग नहीं करना चाहते, पीसफुली करना चाहते हैं। वो नहीं होगा तो वो ये भी सोच रहे हैं कि ख़त्म ही कर दें, कार्मास को हील करना चाहते हैं, रिलीज़ करना चाह रहे हैं। लेकिन अगर ये एनर्जी नहीं हो पाएगी आपकी तो वो ये रिश्ता एंड भी कर सकते हैं। क्या प्रपोजल देंगे आपको या नहीं, लेट मी सीक, मैसेजेस कॉल जेस्चर होगा। एंजल्स प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को बताइए, आपके लिए स्टैंड तो लेंगे डेफिनेटली, लेकिन इंडिपेंडेंट होकर एक्शन ले सकते हैं। लेकिन थर्ड पार्टी मैनिपुलेशन है बहुत ज़्यादा। इंडिपेंडेंट होकर एक्शन लेना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं, ये चीज़ें नज़र आ रही हैं मुझे। थर्ड पार्टी के अगेंस्ट कुछ करना चाह रहे हैं, ले पाएंगे या नहीं तो वक्त बताएगा। अगर आपको प्रपोज़ल नहीं कर रहे हैं एक प्रपोज़ल, तो आने वाले टाइम में कर सकते हैं, लेकिन अगर इसके बरक्स वाइस वर्सा है तो आपका रिलेशनशिप ख़त्म भी हो सकता है। क्या मैसेज आ सकता है कोई रोमांटिक? एग्जैक्टली, क्लेरिफाई क्या है, एस ऑफ वंड और द लवर्स है द फूल। आपके ऑब्स्टिकल्स जितने भी हो लाइफ में आप दोनों के बीच में, इमोशनली वो बहुत अटैच्ड हैं और वो बहुत चाहते हैं कि लव लाइफ चेंज आए। सुबह अब मैं देखूं अगर कि आज मैं एनर्जीज के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊं, आपके पर्सन जैसे मैंने आपको बताया है कि मैसेज करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो मैसेजेस लोगों को तो बहुत सारे लोगों को, 8 बहुत इंपॉर्टेंट है किसके लिए, 8 घंटे में, 16 घंटे, 26 घंटे और 80 घंटे इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ठीक है। 8, 11, 9, 5 बहुत किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। मैसेजेस कॉल्स तो यकीनन आप लोग जो क्लेम करेंगे इस वीडियो को, आपको बहुत सारे लोगों को मैसेजेस आने वाले हैं और जो क्लेम करेंगे तो, ठीक है, इस बारे में आपको बताएंगे भी कब एक्शन करेंगे, क्लैरिफाई करने वाले हैं कब लेंगे ये एक्शन। ब्रेकअप अगर सिचुएशन चल रही है तो बात हो सकती है, अपॉलोजी भी हो सकती है। पास्ट में अगर उन्होंने आपको छोड़ा है, क्योंकि मुझे एनर्जीज बहुत ज़्यादा महसूस हो रही हैं कि बहुत छोड़ छोड़ के भागने वाले थे, रह चुके हैं आपके पर्सन भगोल टाइप्स, यू नो ये सबर आपका बहुत ज़्यादा हो चुका है, पछतावा हो रहा है उनको। एग्जैक्टली, एक वार्निंग मैसेज है आप उनके लिए जो कॉन्टैक्ट में है। एग्जैक्टली, आने वाले 80 आवर्स के अंदर हैवी हो सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। हैवी इसलिए होंगे क्योंकि जो एनर्जी है रेस्ट एंड रिजुनेट की है, इमोशनल विड्रॉ कर सकते हैं बहुत सारे लोगों के पार्टनर्स। सडनली कोई ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है जो इल्यूजन पैदा होगा, धोखा शक पैदा होगा आपके बीच में, और इसकी वजह से कोई बहुत बड़ा झगड़ा हो सकता है और उसके बाद आपका रिलेशनशिप ख़त्म हो सकता है। जंगलिंग की एनर्जी है, तो जो लोग चाहते हैं हमसे प्राइवेट रीड लेना वो हमसे बुक कर सकते हैं, नंबर बायो में होता है। कोई भी हमारा नंबर या रीडिंग के चार्जेस लिखे हैं वो आप अपनी किस्मत समझ के, आपको डिस्ट्रैक्ट किया जा रहा होगा याद रखिए, क्योंकि हम कभी चार्जेस अपनी ओपनली नहीं बताते हैं, हमेशा व्हाट्सएप पे बताए जाते हैं। हमारी टीम के अलावा कोई भी आपको जवाब दे, आप अपनी नाअहली के ज़िम्मेदार खुद हैं कि आप उनकी बातों में आए। लाख कहें आपसे लोग, याद रखिएगा
कि इंसान अपनी बेवकूफ़ियों से नुकसान हो सकता है, भुगत सकता है। तो आप फिर हमें ये नहीं कहेगा कि जी हम चार्जेस की वजह से भाग गए थे। याद रखिएगा, जो लोग इंसान अपने लिए कुछ नहीं कर सकता उसके लिए तो कोई भी, अगर अल्लाह ने खाना भी दे दिया है तो आपको उठा के खुद खाना है, वरना आप भूखे रह जाएंगे। लेकिन आप अल्लाह से शिकवा नहीं कर सकते कि अल्लाह तूने हमें दिया नहीं, आपकी मर्ज़ी है कि आप उठा के नहीं खा रहे, तो खुदावंद को उसमें शिकवा वो नहीं करे। अगर आपको हम मिल गए हैं, आप कॉन्टैक्ट नहीं करें, दैट्स अप टू यू। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। चल जो है मुझे